Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we will be discussing about a new lesson, a new chapter of Bipin Chandra's modern history. You know that I am covering Bipin Chandra's modern history. This is very important one as far as the UPSC or any state civil services you are preparing. This is a very essential stuff. Aapko padhna hi chahiye. This chapter is chapter 25 of modern history, strategic debate in between 1935 to 1937. ये बहुत important दौर था जहाँ पे काफ़ी strategically debate हुई, बहुत सारा बहुत सारे issues को take up किया गया. और ये दौर था जब just civil disobedience movement ख़त्म हुआ था 1934 में, इसे crush कर दिया गया था. और कोई अभी उस समय इस दौरान, इस काल के दौरान, इस पीरियड के दौरान, सॉरी 1935 से लेकर 37 के बीच में, इन सालों के बीच में कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं चल रहा था, मास मूवमेंट नहीं चल रहा था और पॉसिबल भी नहीं था कि ऑर्गेनाइज किया जाए. तो इसलिए लेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस दौरान हुआ क्या. इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी. ऐसा आपको कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे लेटेस्ट वीडियोस की मिलती रहे. पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे. इससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखना, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट जंप आपको नहीं करना है एंड नोट की फिक्र नहीं करनी है. पीडीएफ आपको मिल जाएगा लास्ट में, नोट के तौर पर आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है. जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं खुद ही डाल देता हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रैटेजिक डिबेट की बात करते हैं. पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, विड्रॉवल ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग 1934 to 35, जो इनिशियल स्टेज था. अब देखो ये मूवमेंट विड्रॉ हो गया था 1934 में सीडीएम खत्म हो गया था, ठीक है. और इसके बाद अब क्या करें, कांग्रेस क्या करेगी, ये एक सोच पैदा हुई इन लोगों के बीच में. गांधी जी स्पेशली और भी जो नेहरू वगैरह, उन सब के बीच में सोच पैदा हुई कि अब हम करें क्या. कोई नया मूवमेंट शुरू करना पॉसिबल नहीं था एंड ऑप्शन क्या थे उस समय के, वो सारी बातें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है. तो 1934 से 35 के बीच में गांधी जी ने इम्फेसाइज किया कि कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, लाइक विलेजेस में जाएंगे, ठीक है, विलेजेस में जाएंगे और वहाँ पे जो विलेज क्राफ्ट्स है उसको रिवाइव करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास से रिलेटेड काम करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे. और ये ऐसा करने से गांधी जी का ऐसा मानना था कि वो लोग भी नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनेंगे. दिस वर्क विल लीड टू द कंसोलिडेशन ऑफ पीपल्स पावर एंड अल्टीमेटली द मोबिलाइजेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. तो ये सोच के साथ गांधी जी ने ये आइडिया रिप्रेजेंट किया. लेकिन क्या इसे एक्सेप्ट किया गया, तो देखते हैं आगे क्या हुआ. एक और सेक्शन था कांग्रेस में जो कि चाहता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को रिवाइव किया जाए. कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जैसे कि स्वराजिस्ट यूज किया करते थे, ठीक है, स्वराजिस्ट यूज करते थे. इनका मोटो क्या होता था कि ये जाते थे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके चुन के जाते थे और वहाँ पे वो सब कुछ करते थे जिससे कि गवर्नमेंट को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, गवर्नमेंट के काम को रोका जाए, बाधा डाला जाए और इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करके नेशनल जो एजेंडा है, जो हमारा मूवमेंट है, उसको सपोर्ट किया जाए. तो क्या इससे सफलता, क्या इससे कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जाती, ये बड़ा ही कठिन सवाल है. एक्चुअली नहीं मिलती, सच बताऊँ तो, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट के साथ पार्ट होके भी उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आपको क्या पूर्ण सफलता मिल जाएगी, पूर्ण आपको फ्रीडम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता था. एक ही एक ऑप्शन था, वो था मास स्ट्रगल, मास मूवमेंट. लेकिन ये दौर था जहाँ पे ये नहीं पॉसिबल था मास मूवमेंट चलाना, तो इसलिए एक सेक्शन जो था कांग्रेस का, जो कि जिसका ओरिएंटेशन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज़ किया जाए, उन्होंने प्रोपोगेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को रिवाइव करना चाहिए. इसमें बड़े नाम निकल के आए, डॉक्टर एम ए अंसारी, असफ अली, सत्यमूर्ति, भूला भाई देसाई और डी सी रॉय. ये सब न्यू स्वराजिस्ट थे, ये सब न्यू स्वराजिस्ट थे. अब वो दौर खत्म था जब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ये सब स्वराजिस्ट अब नहीं थे.
अब जो न्यू कमांड था वो इन सब लोगों के हाथ में था, एम ए अंसारी, असफ अली, सत्यमूर्ति एंड भूला भाई देसाई सच एज बी सी रॉय एक्सेट्रा, आगे बढ़ते। तो क्या यही तक बात सीमित थी? इसमें एक थर्ड एंगल भी था, ठीक है? पहले उससे पहले ये देख लो, सी राजगोपालाचारी एंड अस्ट वाइल नो चेंजर ऑल्सो रिकमेंडेड द स्वराजिस्ट अप्रोच टू गांधी जी। देखो हालांकि सी राजगोपालाचारी एक नो चेंजर थे, नो चेंजर थे मतलब ये नहीं चाहते थे कि हम लोग उसमें पार्ट बने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का पार्ट बने, लेकिन इन्होंने भी इसको इसेंशियल समझा उस दौरान, उस समय के दौरान, कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाना चाहिए। इलेक्शन जो होगा 1934 में, एक्चुअली इलेक्शन का प्लान था 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होना था, तो इसी पे ये चर्चा हो रही थी तो कि क्या हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के नाम पे सब तो एग्री थे, लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा था कि क्या अगर जैसे मान लो कांग्रेस चुन के आती है, सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक सेक्शन था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड चाहता था, वो कह रहा था कि हाँ हम सरकार बनाएंगे। इनफैक्ट इनको सजेस्ट किया सी राजगोपालाचारी ने भी, इनको सपोर्ट किया, सॉरी सी राजगोपालाचारी जो कि उस समय के नो चेंजर थे, जो कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू नो चेंजर के पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन इन्होंने गांधी जी को प्रजॉर्ट किया, रिकमेंड किया कि स्वराज अप्रोच को अपनाया जाए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड टैक्टिकल पर्सपेक्टिव क्या था? ये दो टैक्टिकल हो गए, एक तो गांधी जी ने बोला कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, चलो गांव में चलते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। दूसरा सेक्शन कहता था कि नहीं हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार बनाएंगे, और उसमें सरकार में पार्टिसिपेट करके हम लोग सरकार को रोकेंगे और उस प्लेटफॉर्म को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करेंगे जहाँ से हम लोग नेशनल एजेंडा फैलाएंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, ये वाली बात। तीसरा एंगल यहाँ पे आ गया टैक्टिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी भी जिसको कहा जाता है, जिसको सपोर्ट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, नेताजी बोस, ये सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। क्या थी इनकी स्ट्रेटेजी? पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था लेफ्ट विंग वाली, वो लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने कहा कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट ट्रेंड बनाते हैं। इन्होंने कहा कि ये लेफ्टिस्ट थे, लेफ्ट को सपोर्ट करते थे, और इन्होंने दोनों को क्रिटिसाइज किया, बोला कि हम इन दोनों को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है? गांधी जी के भी प्रिंसिपल को और ये भी प्रिंसिपल को कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से काम करें, ये हम सपोर्ट नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, वहाँ से हम लोग मास स्ट्रगल में आए, और अभी सीडीएम जस्ट ख़त्म हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो हमें इसी के तर्ज पे इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। देवर इन फेवर ऑफ द कंटिन्यूएशन और रिजम्पशन ऑफ द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास मूवमेंट, हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास मूवमेंट को फेवर करेंगे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को, जहाँ पे हम जाके पार्टिसिपेट करें गवर्नमेंट में और उनको अवरोध करें। इससे अच्छा है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। नेहरू का मानना था कि ऐसा करने से कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, तो सिर्फ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मास मूवमेंट से, भले चाहे वो नॉन वायलेंट ही क्यों ना हो, ठीक है? नॉन वायलेंट हो लेकिन इसी से सफलता मिलेगी, जवाहरलाल नेहरू का ऐसा मानना, उस समय लीड कर रहे थे इन सब लोगों को, ठीक है? नेहरू का ऐसा मानना था कि विड्रावल अगर हम कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से एंड काउंसिल एंट्री से, तो हमारा स्पिरिचुअल डिफीट होता है, ठीक है? बोला कि अगर हम विड्रॉल करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से और हम एंट्री करेंगे काउंसिल में, तो हमारा स्पिरिचुअल डिफीट होगा। जो हमने एक ट्रेंड बनाया था 1920 से, राइट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा बिल्कुल। हमारा जो अचीवमेंट अभी तक था वो सब बेकार है, स्पिरिचुअल डिफीट होगा हमारा, तो हमें नहीं, ना ही हमें काउंसिल एंट्री करनी चाहिए, और ना ही हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। नेहरू का मानना था कि हम लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था वैसे के तौर पे उसी टाइप का मास मूवमेंट करें, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो नेहरू ने इनफैक्ट वे आउट भी बताया था। वे आउट में इन्होंने बोला कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लोग क्लास जो है, क्लास बेसिस ऑफ सोसाइटी, उसको हम लोग ग्रैप्स करें, हम लोग किसान सभा पे जोर दें, हम लोग ट्रेड यूनियन बनाएं, और साथ में हम लोग
एक ऐसा मूवमेंट बनाए जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है, एंड कांग्रेस की सारी जो पॉलिसी है उसको सोशलिज्म के तौर पे बनाया जाए, उसको मेन जो उसका आइडियोलॉजी हो सोशलिज्म, ये टारगेट करके अगर हम काम करेंगे तो हमारा दोनों काम सफल हो जाएगा, हम फ्रीडम भी पा लेंगे और फ्रीडम के बाद सब्सिक्वेंटली हमें सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी मिल जाएगा, ठीक है। ये टारगेट इन्होंने बोला और बोला कि इसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ये सब स्ट्रेटेजिक डिबेट है, ठीक है, इस टॉपिक का नाम भी इसीलिए रखा गया स्ट्रेटेजिक डिबेट। जवाहरलाल नेहरू ने चैलेंज भी किया, इनफैक्ट बेसिक जो गांधीयन स्ट्रेटेजी थी, जब वो जेल में थे तो बहुत सारे वो लिखते थे, अपनी डायरी मेंटेन करते थे, तो उसमें गांधी जी की स्ट्रेटेजी को भी इन्होंने, जो कि मेन स्ट्रेटेजी गांधी जी की थी स्ट्रगल टू स्ट्रगल, अब ये क्या है एसटीएस थ्योरी क्या है, इसमें गांधी जी का ऐसा मानना था कि मास मूवमेंट जो है वो लगातार आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, एक समय आता है जब मास थक जाती है और वो फर्दर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्ट्रगल करेंगे, फिर जब देखेंगे कि मास थक गई है तो हम लोग आराम करेंगे, वी विल ट्रूस एंड देन अगेन वी विल रिवाइव आवर स्ट्रगल, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी के खिलाफ थे जवाहरलाल नेहरू, उनको पसंद नहीं थी, इसके बदले वो बोलते थे कि कुछ और करो यार, ये लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो फ्रीडम है उसको टुकड़ों में पालोगे, आज एक आना पाया, कल दो आना पाया, कल परसों तीन आना, चार आना, ऐसे करते करते आप पालोगे, ऐसा नहीं होता है। आज तक इतिहास गवाह है कि जो भी सफलता मिलती है इस क्षेत्र में वो लगातार स्ट्रगल करने से ही मिलती है। तो अगेन इन्होंने कहा कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, एंड फ्रीडम स्ट्रगल जो है वुड पास थ्रू सेवरल स्टेजेस, ये मानते थे, ये इसको नहीं मानते थे कि सेवरल स्टेजेस में चलना चाहिए, जो ये मैंने बताया कि एक आना आज अचीव किया, कल दो आना, ऐसे करके नहीं चलना चाहिए, एंड एंडिंग विद द ट्रांसफर ऑफ पावर बाई कॉलोनियल रिजाइन इटसेल्फ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये भी नहीं मानते थे मतलब नेहरू जी कि कॉलोनियल रिजाइम खुद ही अब मतलब ट्रांसफर कर देगा पावर, तो ये सबके अगेंस्ट थे, बेसिकली ये अगेंस्ट हो रहे थे उस समय, कि जो एक ट्रेंड बना हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को यूज करेंगे पार्टिसिपेट करके, इसके अगेंस्ट में जवाहरलाल नेहरू जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, नेहरू डिड नॉट सब्सक्राइब टू दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसको ये अच्छा नहीं मानते थे, इस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ मैं, सो स्ट्रगल टू स्ट्रगल वाली। वट एवर माइट हैव बीन द केस इन द पास्ट, नेहरू ने कहा कि जो भी केस रहा हो पास्ट में, नाउ द मूवमेंट हैज रीच्ड ए स्टेज वेयर देयर शुड बी ए परमानेंट कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द इम्पीरियलिज्म टिल इट वॉज ओवरथ्रोन। इन्होंने कहा कि देखो, पहले की बात मैं नहीं जानता हूँ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आज की डेट की बात करें, अभी की बात करें, तो हमारा जो मूवमेंट है वो एक ऐसे स्टेज में आ गया जहाँ पे हम आराम नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में हम लोग फिर से घुसें और जो 1920 के पहले होता था वो सब किया करें, अब हम वो नहीं चाहते, हम ऐसे स्टेज में आ चुके हैं जहाँ पे लगातार कन्फ्रंटेशन होना चाहिए इंपेरियलिज्म के खिलाफ, लगातार कॉन्फ्लिक्ट करो, तभी हम ओवर थ्रो कर पाएंगे इंपेरियलिज्म को, ओवरऑल ब्रिटिशर्स को भगा पाएंगे। इन्होंने कहा कि इवन इफ द मास मूवमेंट वॉज एट द लो इव और रिमेन्ड एट सिम्बोलिक प्लेन, इट शुड बी कंटिन्यूड। ये यहाँ पे रेफर कर रहे थे इस बात को कि सीडीएम को तो क्रश कर दिया गया था सरकार के द्वारा, सीडीएम नहीं था उस समय, और बोल रहे थे कि ठीक है, ये हमारा लो फेज हो सकता है, हमारा लो फेज हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर दें ये ठीक नहीं है, हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि एवरी मूवमेंट सूनर और लेटर रीच ए स्टेज वेन इट इंडेंजर्ड द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। यहाँ पे रेफर कर रहे थे ब्रिटेन वालों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बोला कि हमारा मूवमेंट यहाँ पे इस स्टेज में आ गया है और यहाँ पे अभी ये सत्ता जो है इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड हो चुकी है, एंड द स्ट्रगल देन बिकम परपेचुअल एंड कुड गो फॉरवर्ड ओनली थ्रू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल मीन्स। अब यहाँ इनको उखाड़ फेंकना है तो इनके साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, अब जो भी होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से होगा, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अब नहीं अपनाएंगे एंड इलीगल मीन्स से ही हम लोग अपने अचीवमेंट को, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। नेक्स्ट, फॉर दिस रीजन नेहरू अटैक्ट ऑल मूव्स टू आर्ड्स विदड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इसी कारण से
जो सीडीएम का विड्रॉल हुआ था उसको बहुत ही बुरे तरीके से इन्होंने अटैक किया था, नेहरू ने बोला इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से ये ठीक नहीं था। आगे बढ़ते टू एसटीएस ही काउंटर पोज द स्ट्रेटेजी ऑफ एसवी। अब ये क्या भैया नया क्या आ गया? स्ट्रगल टू से स्ट्रगल तो समझ में आया था, जिसमें गांधी जी ने बोला था कि एक समय आता है कि जब मास को आराम चाहिए तो आराम करती है, हमेशा स्ट्रगल को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। इसके इसके अपोजिट एक थ्योरी थी नेहरू ने, जो कि कहा कि स्ट्रगल एंड विक्ट्री, बोला कि लगातार लड़ो तो जीत हासिल करो, आराम नहीं फरमाना है यहाँ पे, ठीक है, लगातार लड़ना है और जीत हासिल करना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन नेहरू एंड द लेफ्टिस्ट ऑन वन साइड एंड द प्रोपोनेंट्स ऑफ काउंसिल इंट्री ऑन द अदर साइड वाज रीच एट द टॉप हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गया था, जहां से कोलैप्स हो सकता था, अब मतलब फूट पड़ सकती थी कांग्रेस में। एक तरफ कौन सा ग्रुप था? नेहरू एंड लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट को नेहरू उस समय मतलब लीड तो नहीं कह सकते, लेकिन आइडियोलॉजी इनकी लगभग लेफ्टिस्ट ही थी, और बाकी जो लेफ्टिस्ट जो पार्टियाँ थी लोग थे वो तो थे ही साथ में इनके। दूसरे तरफ थे प्रोपोनेंट ऑफ काउंसिल एंट्री, जो ये वाले लोग जो यहाँ पे मैंने बोला था जो स्वराजिस्ट अप्रोच को अपनाने में बिलीव करते थे, डॉक्टर एम ए अंसारी, असफ अली एक्सेट्रा। तो ये बहुत चरम सीमा पर पहुँच गया, वहाँ पे गांधी की एंट्री हुई। गांधी जी इंटर्न इन टू दैट सिचुएशन एंड ही डिफ्यूज द सिचुएशन, शांत किया, काफ़ी अच्छे से शांत किया गांधी जी ने। ही कॉन्सिलिएटेड द प्रोपोनेंट्स ऑफ काउंसिल एंट्री बाई एक्सीडिंग टू देयर बेसिक डिमांड। इन्होंने क्या किया, जो काउंसिल एंट्री मांग रहे थे उनको बोला कि ठीक है तुम लड़ो यार, इलेक्शन लड़ो भी और तुम ही डिसाइड करो कि ठीक है इलेक्शन लड़ने के बाद क्या उसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो इनको इनकी जो मतलब फेवर थी गांधी जी को, काउंसिल एंट्री वाले जो प्रोपोनेंट्स थे उनके तरफ झुकाव था, तो जो उन्होंने दे दिया उसको, एडमिट कर दिया। साथ में इन्होंने एश्योर भी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, एनीवे इससे पहले देख लो, गिव एक्सप्रेशन टू देयर पेट्रियोटिक एनर्जी थ्रू काउंसिल वर्क इन ए पीरियड व्हेन देयर वाज नो मास मूवमेंट। तो एक रीजन दिया इन्होंने गांधी जी ने, गांधी जी ने बोला कि देखो भाई काउंसिल एंट्री होगी ना अगर, तो ये लोगों को एक जो लोग मतलब सीडीएम को सपोर्ट नहीं करते, एटलीस्ट उनको एक एक वर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनकी पेट्रियोटिक एनर्जी यूज होगी वहाँ पे, तो ये कुछ गलत नहीं है। ठीक है चलो ठीक है जाएंगे वहाँ पे, यू नो पार्लियामेंट में सीएलए जो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी एनर्जी को यूज़ करेंगे, सरकार के विरोध में काम करेंगे, बट प्रोवाइडेड कि वो सरकार के सपोर्ट में ना काम करने लगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो जाएंगे इंटर करेंगे, और मीन टाइम हमें टाइम मिल जाएगा फिर से हम अपने स्ट्रगल को रिवाइव कर लेंगे। तो गांधी का ऐसा मानना था, इसके हिसाब से इन्होंने परमिट किया था, इन्होंने कंसिलिएट कर दिया काउंसिल एंट्री वालों को। आगे बढ़ेंगे। अंडर गांधी जी गाइडेंस द AICC मीटिंग वॉज हेल्ड एट पटना। पटना में ये मीटिंग हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो मई 1934 में जो इलेक्शन होंगे उसमें पार्टिसिपेट करना है, सॉरी मई 1934 में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बना लेते हैं हम लोग, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स को डील करेगी ताकि फाइट कर सके हम लोग, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्लान्ड जो इलेक्शन था जो कि नवंबर में होना था 1934 में, उसके लिए तैयारी करें हम लोग। तो पटना में ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि चलो ठीक है जो जो काउंसिल एंट्री चाहते हैं उनको एंट्री दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। साथ में गांधी जी ने ऐसा नहीं कि इनको कंसीड कर दिया और नेहरू को नाराज कर दिया, ऐसा नहीं, नेहरू को इन्होंने एश्योर किया, लेफ्टिस्ट को इन्होंने एश्योर किया दैट द विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था वो कुछ रियालिटी थी उसके पीछे, ऐसा नहीं कि हमने ऑल ऑफ सडन विड्रॉ कर लिया, और इस विड्रॉल का कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग अपनी पॉलिसी को छोड़ चुके हैं और हम लोग अब उस पर दोबारा नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डिड नॉट मीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ड्रिफ्ट और बोइंग डाउन बिफोर द पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्टिस्ट और कंप्रोमाइजिंग विद द इंपीरियलिज्म। इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर से यार मौका मिलेगा हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे मास मूवमेंट को, फिलहाल अभी ऐसा सिचुएशन है कि मास मूवमेंट नहीं हो सकता, तो ठीक है थोड़ा सा कंसेशन दे देते हैं और काउंसिल एंट्री वालों को मौका देते हैं कि वो भी अपना काम करें। आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो अपीज द लेफ्ट बाई स्ट्रांगली बैकिंग द नेहरू फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लखनऊ कांग्रेस डिस्पाइट कॉन्ट्रेरी
प्रेशर फ्रॉम द सी राजगोपालाचारी एंड अदर राइट विंग लीडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गांधी की ये मतलब चालाकी थी, ये एक्सपर्टीज थी कि सबको साथ में लेके चलते थे। अब देख रहे थे कि एक तरफ इन्होंने कंसीड किया था काउंसिल एंट्री वालों को, बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड वाले जो हैं वो ठीक है अपना कर सकते हैं, अपना सकते हैं ये मेथड, कोई इशू नहीं है। तो क्या नेहरू को नाराज किया था? नहीं, नाराज नहीं किया था। नेहरू को सपोर्ट किया इन्होंने यहाँ पे खुश करने के लिए नेहरू को, कि भाई, और कुछ लेफ्ट वाले खुश हो गए कि नेहरू को इन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए लखनऊ में बैक किया, जबकि सी राजगोपालाचारी और कुछ और राइट विंग के लीडर थे वो अपोज कर रहे थे गांधी जी को। बोले थे नहीं यार इसको मत बनाओ, इसको प्रेसिडेंट मत बनाओ, वरना फिर एक जो लेफ्ट आइडियोलॉजी और आगे आएगी, राइट विंग वालों को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये प्रेशर के बावजूद भी गांधी जी ने सपोर्ट किया। तो एक जोड़ के रखने का जो कलाकारी है, जो इनकी खूबी थी, वो यहाँ से आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम गांधी वॉज कन्विंस्ड, गांधी जी कन्विंस्ड थे दैट ही वॉज आउट ऑफ द ट्यून विद द पावरफुल ट्रेंड्स इन द कांग्रेस। मतलब कि जो इनका इन्फ्लुएंस था एज ए पर्सनैलिटी, एज ए कैरेक्टर गांधी जी का कांग्रेस में, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। ही वॉज एश्योर्ड, ही वॉज बेसिकली कन्विंस्ड कि ऐसा हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा था कि एक तरफ तो CDM को सफलता नहीं मिली थी, साथ में जो स्वराजिस्ट थे उसके भी अगेंस्ट रहते थे ये, उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, नेहरू की आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट नहीं करते थे, एंड लेफ्टिस्ट की आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट नहीं करते थे बिकॉज ये नॉन वायलेंट वगैरह। तो एक तरीके से इनको लग गया कि अब समय आ गया है कि मेरे पास एक्चुअली मेरा पोजीशन जो है वीक हो चुका है। तो वीक होने की वजह से इन्होंने क्या किया, अपने पोजीशन को देखा वीक हो गया है, तो अक्टूबर 1934 में ही अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द कांग्रेस ओनली टू सर्व इट बेटर इन द थॉट वर्ड एंड डीड। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ा, लिटरली एक तरीके से कांग्रेस को छोड़ा, लेकिन ये कांग्रेस को छोड़ा नहीं इन्होंने, ये बस एक रेजिग्नेशन था, लेकिन ये कांग्रेस के ओवरऑल गाइड बाद में भी बने रहे, बट एक जो मतलब मेंबरशिप था इन्होंने छोड़ दिया, रिजिग्नेशन दे दिया अपना कांग्रेस से, कांग्रेस के मेंबर अब नहीं रहे। लेकिन एनीवे ऐसा नहीं है कि इन्होंने फिर बिल्कुल ही ऐसा ये आगे चल के ये हमेशा रहे कांग्रेस के को लीड किया इन्होंने, कांग्रेस इन्हीं के इशारों पर काम करती थी, बट ये एक इनका एक स्पिरिट था जिसको यहाँ पे देख सकते हो ना, टू सर्व इट बेटर इन थॉट वर्ड एंड डीड। मतलब कांग्रेस को इन्होंने ऑन पेपर छोड़ा है, लेकिन थॉट में, वर्ड में, डीड में नहीं छोड़ा है। बात आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है, नेहरू ने कहा कि आई डिड नॉट सी वाई आई शुड वॉक आउट। ये बात तब की है जब बोला जा रहा था ना कि क्या लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग बिल्कुल कांग्रेस छोड़ के अलग अपनी पार्टी बना लेंगे, अपनी आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे क्या कांग्रेस से? तो नेहरू ने कहा कि नेहरू ने इसका अच्छा जवाब दिया, बोला नहीं, हम मुझे कोई कारण दिखता नहीं है कि कांग्रेस को छोड़े। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो कि लीड कर सकती है नेशनल मूवमेंट को, और कोई भी नहीं कर सकता, ये नेहरू को पता था। तो इन्होंने ये ऐसा बोल के एक जो फूट डलने वाली थी दोनों के बीच में, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में, वो बचा लिया इन्होंने। साथ में राइटिस्ट ने भी इनको सपोर्ट किया, द राइट वॉज नो लेस एकोमोडेटिंग। सी राजगोपालाचारी का एग्जाम्पल लेने तो इन्होंने लिखा था कि द ब्रिटिश पर हैप्स होप फॉर क्वारल एमॉन्ग कांग्रेस मैन, जो कि एक्चुअली चाहते थे, ब्रिटिशर्स ऐसा देख रहे थे कि अब लग रहा है कि इसमें विभाजन होगा, फिर से फूट डालो राज करो वाली नीति हमारी फिर से सक्सेस होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी के मतलब इसी पे फोकस करके ये लिख रहे थे राजगोपालाचारी, द ब्रिटिश पर हैप्स होप फॉर ए क्वारल अमंग कांग्रेस मैन ओवर दिस सोशलिज्म इशू, बट वी होप टू डिसअपॉइंट देम। तो मतलब एक सपोर्ट इन्होंने, सोलिडेरिटी दिखाई अपनी, एक साथ मिल के काम करने वाले। इलेक्शंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वेर हेल्ड इन नवंबर 1934, जैसा मैंने आपको बताया था कि नवंबर 1934 में इलेक्शन होना था और हुआ भी। 75 सीट्स पे इलेक्टेड हुए, 34 ऑफ 75 सीट्स फॉर इंडियंस। अच्छा, 75 सीटों में से कांग्रेस ने 45 सीटें यहाँ पे जीती। तो एक MCQ आ सकता है यहाँ से, आपको ये याद कर लेना चाहिए कि जो
सीएलए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ 1934 में, उसमें कांग्रेस ने कितने सीट जीते थे और कितनी सीटें थी उसमें इंडियंस के लिए, तो 75 सीटें थी और उसमें कांग्रेस पार्टी ने 45 सीटें जीती। ये एक बड़ा अचीवमेंट था कांग्रेस का। अगस्त 1935 में, देखो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनो पहले, तभी समझ में आएंगी बातें। हुआ क्या कि सीडीएम को तो ख़त्म कर दिया था सरकार ने, रिप्रेस कर दिया था, सीडीएम ख़त्म था, लेकिन सरकार को पता था कि जो सीडीएम को ख़त्म किया ना हमने, वो एक शॉर्ट टर्म मेजर है, शॉर्ट टर्म मेजर है, ये ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर से मास मूवमेंट नहीं होगा। एक शॉर्ट टर्म मेजर हमने लिया था, लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर ओवरऑल तभी हो पाएगा अचीव, लॉन्ग टर्म मेजर लेना पड़ेगा। टारगेट ये रहेगा हमारा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तोड़ दो, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो, लेफ्ट अलग कर दो, स्वराजिस्ट अलग कर दो, राइट अलग कर दो, ठीक है। ऐसा तोड़ने का इन्होंने सोच बना लिया, और इसके लिए क्या चाहिए था, एक नया एक्ट चाहिए था। तो अगस्त 1935 में इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया, जिसमें इन्होंने बोला कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगी और प्रिंसली स्टेट्स होंगी, ठीक है, और ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, प्रोविंसेस को हम लोग यहाँ पे पावर देंगे कि वो इलेक्शन लड़े और अपना सरकार बनाए, ठीक है, प्रोविंसेस को पावर देंगे, इलेक्शन लड़े अपना सरकार बनाए। ये भी एक सोची समझी नीति थी इनकी, ये ऐसा इसलिए इन्होंने इस एक्ट में किया ताकि प्रोविंसेस में जब सरकार बनेगी तो सत्ता के लालच में लोग आके कांग्रेस से बाहर निकलेंगे, सरकार बनाएंगे और अल्टीमेटली सेंटर में हम लोग बैठ के इनको कंट्रोल करेंगे। तो एक तरीके से प्रोलोंग करना, इसी को बढ़ाए रखना, ये टारगेट था इनका। तो इस एवज में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया, जिसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कही और जो इलेक्शन बोला इन्होंने कि लिमिटेड फ्रेंचाइज होगा, यहाँ पे कुछ ही लोगों को राइट मिलेगा, जो पढ़े लिखे हैं, जो इकोनॉमी जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, उन लोगों को राइट मिलेगा वोट करने का। लिमिटेड फ्रेंचाइज सबको नहीं था, सबको फ्रेंचाइज नहीं मिला था, सारे लोग वोट नहीं कर सकते थे। तो देखो हुआ क्या इसके बाद, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स टू द फेडरल लेजिस्लेचर डायरेक्टली बाय द प्रिंस, इन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट्स के वो डायरेक्टली चुने जाएंगे प्रिंसेस के द्वारा, प्रिंसली स्टेट में, ठीक है, प्रिंसली स्टेट में जो प्रिंसेस होंगे वो अपना डायरेक्ट चुनेंगे कि कौन बंदा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा स्टेट का फेडरल लेजिस्लेचर में। एंड दिस विल बेसिकली, ये प्रोविजन इसलिए इन्होंने दिया ताकि जो प्रिंसेस थे उनके थ्रू जो नेशनलिस्ट थे उनको काउंटर किया जा सके, काउंटर किया जा सके जो नेशनलिस्ट थे। प्रिंसेस के रिप्रेजेंटेटिव को ले लो फेडरल सिस्टम में और वहाँ पे वो आके फिर नेशनलिस्ट को काउंटर करेंगे। तो हर तरीके से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा कदम ये 1935 वाला एक्ट भी था। अल्टीमेट जो पावर था डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड वो भी फेडरल लेजिस्लेचर के पास ही था। तो प्रोविंसेस को चाहे जितनी पावर दे दो, डिफेंस पावर नहीं है, फॉरेन अफेयर का पावर नहीं है, तो अल्टीमेटली सेंटर स्ट्रांग है, सेंटर स्ट्रांग है तो इनके ऊपर तो कभी भी नकेल कसा जा सकता है। तो ये सब लुभाने का, तोड़ने का ये सब तरीका था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। साथ में जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे बोला कि गवर्नर ओवरऑल इंचार्ज होगा एंड वो अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एंड ही विल रिटेन द स्पेशल पावर इन प्रोविंसेस एंड कोल। इससे क्या होगा कि जो कॉलोनिज्म है कभी टूटेगा ही नहीं, कॉलोनिज्म रिमेंड इंटैक्ट। ये सब बातें क्या हमारे इंडियंस को नहीं समझ में आए, डेफिनेटली समझ में आए, ठीक है, डेफिनेटली समझ में आए। विरोध भी किया, आगे बताऊँगा। उस समय जो ये कमेटी बैठी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द एक्ट ऑफ 1935, उसको उसके चेयरमैन थे लॉर्ड लिन लिदगो, ठीक है, लॉर्ड लिन लिदगो ये थे। बाद में ये वायसराय भी बने, वायसराय बने फ्रॉम 1936 ऑनवर्ड। ये क्वेश्चन आ सकता है, फैक्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ों को ध्यान दिया करो, जहाँ भी डेट आए और बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आए तो उनको याद कर लिया करो। अब ये जब भी 1935 वाले एक्ट से बात आए तो जोड़ना, थोड़ा सा कनेक्ट करना लिदगो से एंड वायसराय कौन था 1936 ऑनवर्ड, तो यही व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो थी इनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की,
वो यही थी कि 1935 से 1939 के बीच में इनकी ये स्ट्रेटेजी बेसिकली काम कर रही थी। इसमें इन्होंने उम्मीद किया कि डेफिनेटली जो हमारी पॉलिसी है 1935 वाले एक्ट के थ्रू, उसमें जो हमारे मॉडरेट्स थे पहले वाले, जो कि विश्वास करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में, वो डेफिनेटली जुड़ेंगे फिर से, और जो लिबरल्स थे वो भी जुड़ेंगे फिर से, तो ओवरऑल जो कांग्रेस का जो मूवमेंट है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो ये उम्मीद में ये सारी चीज़ें की जा रही थी। दे ऑल्सो होप्ड दैट वंस द कांग्रेस मैन इन द ऑफिस, चुन के जब आ जाएंगे ऑफिस में, प्रोविंसेस वाले ऑफिस की बात कर रहे थे ये, एंड पावर को टेस्ट करेंगे ना, तो ये लोग फिर दोबारा से कांग्रेस में जाने से रिलक्टेंस अपना दिखाएंगे। एक बार सत्ता का जो मज़ा चख लेता है ना, उसको थोड़ा निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है, ऐसा सबको पता है। सो उनको ब्रिटिशर्स को भी पता था, लेकिन इंडियंस को ब्लड को नहीं जानते ये। हमने उस समय जो अपनी सॉलिडिटी दिखाई उससे ये लोग भी तंग रह गए। एनीवे ये ऐसा इनका स्ट्रेटजी था कि इनको तोड़ा जाए कैसे भी। ये भी उम्मीद किया इन्होंने कि द लेफ्ट एंड रेडिकल एलिमेंट्स इट वाज होप्ड वुड सी ऑल द कॉम्प्रोमाइज विद द इंपीरियलिज्म। तो होगा क्या कि इस पर अगर एग्री कर जाएंगे लोग तो लेफ्ट वाले और नाराज हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि यार ये तो जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो इनमें भी फूट पड़ जाएगी, लेफ्ट अलग हो जाएगा। तो ये सब टारगेट था इनका। दिस इज़ वाई गवर्नमेंट रिवर्स्ड इट्स पॉलिसी, जो कि 1934 से 33 से 34 के बीच में थी, जिसमें रिप्रेशन कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट को, वो सारी पॉलिसी इन्होंने चेंज कर दी, और इनफैक्ट ये सपोर्ट करने लगे अब कि भाई ठीक है आप आओ इलेक्शन लड़ो जीतो और पार्टिसिपेट करो, लेफ्ट को भी सपोर्ट करने लग गए। तोड़ने की नीति थी, फूट डालो राज करो वाली नीति। द नेक्स्ट आता है द एक्ट ऑफ 1935 वाज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट प्लस कांग्रेस स्पेशली। सोसाइटी का हर सेक्शन ने इसको देखा, सोचा, समझा और क्रिटिसाइज किया। कांग्रेस ने भी इसको कंडेम किया, एंड कांग्रेस इनफैक्ट डिमांडेड स्टीड स्टीड की मतलब ये 1935 वाला एक्ट को हटाओ और इसके जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करो, ताकि हम अपना खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, और उसका बेसिस होना चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये सारे डिमांड कांग्रेस के, जोड़ना सीखना, अभी सुनो आगे इसको जोड़ने का सीखते रहना। अब बाद में आपको मिलेगा कि ये डिमांड कैसे ही बाद में पूरा भी हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान बना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहाँ से ओरिजिनेशन होता है ये सब देखा करो, सुना करो बड़े ध्यान से और समझा करो, हर जगह फोकस आपका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है नेशनलिस्ट एग्रीड दैट 1935 एक्ट मस्ट बी अपोज्ड। ठीक है, नेशनलिस्ट जानते थे कि अपोज करना है, बट इनको ये नहीं पता था कैसे करना है। क्वेश्चन वाज हाउ टू डू सो, ये जो डाउट था ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। मास मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, तो कैसे अपोज किया जाएगा 1935 एक्ट को। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना, पहले इलेक्शन लड़ते हैं उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, सरकार बनाना है नहीं बनाना है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो कांग्रेस के सोशलिस्ट थे एंड जो कॉम्युनिस्ट थे, दे वर टोटली अपोज टू द ऑफिस एक्सेप्टेंस। ये नहीं चाहते थे कि ऑफिस को एक्सेप्ट करें, ये चाहते थे कि इलेक्शन लड़ो, ठीक है उसके बाद फिर से सिविल जो मूवमेंट था वो मास मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे और फिर से इनको झुकाएंगे और धीरे धीरे फ्रीडम अचीव करेंगे। ये अपोज कर रहे थे कि हम लोग जीतें और ऑफिस एक्सेप्ट करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से, सुभाष चंद्र बोस के और कांग्रेस सोशलिस्ट और कॉम्युनिस्ट के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे, लॉजिक क्या दिया इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने और इन लोगों ने, इन्होंने लॉजिक दिया कि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं ऑफिस को, इट वुड मीन एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, जो कि सच बात है। जैसा मैंने बताया आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्नर को चूज करेगी, अल्टीमेट पावर डिफेंस वगैरह का सब कुछ सेंटर के पास ही होगा, एक्चुअल पावर कहाँ है, एक्चुअल पावर प्रोविंसेस में भी नहीं था, कुछ जो सब्जेक्ट्स थे वो रिजर्व थे सेंट्रल फेडरल लिस्ट में थे, वो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्ट करेगी, ऐसे करके बोला कि यार एक्चुअल पावर नहीं रहेगा। ठीक है, एक्चुअल पावर नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा है ज्वाइन करने का,
दिस वुड मीन अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर. दिस वॉज द लॉजिक गिवन बाई दीज पीपल. एंड इन्होंने कहा कि जो रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर है हमारे मूवमेंट का, जो अभी तक हमने गेन किया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा, वो सब चला जाएगा. अभी तक हमने काफ़ी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की, वो चाहे कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हो या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हो, वो सब बेकार हो जाएगा. तो हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफिस को, ऐसा लॉजिक इन्होंने दिया. साथ में इन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन वर्कर्स एंड पीजेंट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए. इंस्टीड की ये सारी चीज़ें करें हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाएं, यार अपने वर्कर्स एंड पीजेंट्स पे काम करते हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इनको ट्राई करते हैं कि अपने मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट करवाएं. इस पर हमारा फोकस होना चाहिए. नेक्स्ट, दोज हु फेवर्ड ऑफिस एक्सेप्टेंस, उनका क्या लॉजिक था? जो कह रहे थे कि ऑफिस को एक्सेप्ट करेंगे हम लोग जीतेंगे, तो वो लॉजिक ये दे रहे थे कि देखो भाई अभी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं. ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल सिचुएशन मेड इट नेसेसरी टू गो थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशनल फेज, फॉर द ऑप्शन ऑफ मास मूवमेंट वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम. कहा कि यार मास मूवमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो क्या हाथ पांव धरे बैठे रहें, काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, वहाँ से अपना उसको यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, लोगों को मास मूवमेंट के लिए वहाँ से जागरूक बनाएंगे. तो ये इनका लॉजिक था. साथ में कुछ और भी लॉजिक दिए इन्होंने, देख लो. द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट क्लियर टू द प्रो गवर्नमेंट प्रोसेस. तो इन्होंने कहा कि देखो इलेक्शन तो होगा, चाहे हम पार्टिसिपेट करें ना करें, कुछ उसमें और भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ पार्टियाँ, कुछ और भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे. अल्टीमेटली जो इंडियन के लिए सीट रिजर्व है उसमें कोई ना कोई चुन के जाएगा, सरकार बनाएगा. तो क्या ये सब कुछ छोड़ दें हम लोग उनके हाथों में जस्ट, और वो लोग फिर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें और हमें ही इलीगल घोषित करें और हमारे ऊपर ही प्रेशर बनाएं? तो ये भी एक रीज़न दिया इन्होंने कि भाई हमें ही लड़ना चाहिए, क्यों हम अपने ही लोगों में से किसी और को दें मौका जो फिर हमें ही दबाने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट लॉजिक जो इन्होंने दिया, बोला कि डिस्पाइट द लिमिटेड पावर, जब हमारे पास लिमिटेड पावर होगा मैं मानता हूँ, उन्होंने कहा ओवरऑल द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज कुड बी यूज टू प्रमोट कंस्ट्रक्टिव वर्क. ठीक है, हम लोग विलेज में काम करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, ग्रामीण उद्योग ये सब को बढ़ावा देंगे जिससे लोग हमें ज्वाइन करेंगे. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, ये सब. तो ये सब लॉजिक थे. साथ में अब इसको अच्छे समझना है तो विश्वनाथन जी ने एक अपनी राइटिंग में लिखा था, देर इज नो ऑफिस एंड देर इज नो एक्सेप्टेंस. समझना इस बात को, इस मैंने इंक्लूड किया था कि समझो आप. बोला यार बात ये ऑफिस की नहीं है, एक्सेप्टेंस की नहीं है. एंड डू नॉट लुक अपॉन मिनिस्ट्रीज एज ऑफिस बट एज सेंटर्स एंड फॉर द एंड फोर्ट्रेसेस फॉर विच फ्रॉम विच ब्रिटिश इंपेरियलिज्म रेडिएटेड. बोला कि इसको ऐसा समझो कि ये ऑफिस नहीं है, एक्सेप्टेंस ये सब छोड़ दो, बस ये समझो कि जो जगह के लिए हम लोग लड़ेंगे ना और जीतेंगे, वो जगह ऐसी है जहाँ से ब्रिटिश इंपेरियलिज्म रेडिएट होता है, वहीं से सारे निर्णय लिए जाते हैं. तो यार उस जगह पर क्यों ना जाकर बैठ जाएं? और हम इतने भोले नहीं हैं कि हमें ये पता नहीं होगा कि कैसे काउंसिल को यूज़ करना है फॉर रिवोल्यूशन. यहाँ पर घुस के रिवोल्यूशन करेंगे हम लोग, विश्वनाथन ने ऐसा अपना लिखा, स्पीच दिया था. इनफैक्ट गांधी जी एक्चुअली उनकी जो राइटिंग्स, ज़्यादा उन्होंने लिखी नहीं इस दौरान तो ऐसा क्लियर नहीं होता है, लेकिन बट एक अपीयरेंस मिलता है हमें. इट अपीयर्स दैट इन द वर्किंग कमिटी डिस्कशन जो हुआ था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी नहीं चाहते थे ऑफिस एक्सेप्टेंस वाला फंडा. ही अपोज्ड ऑफिस एक्सेप्टेंस एंड इन्होंने कहा कि ऑल्टरनेटिव क्विट प्रिपरेशन हमें करना चाहिए क्विट कराने के लिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहिए. लेकिन प्रेशर आया इनके ऊपर, बाकी लोग चाहते थे कि हम एडमिट ऑफिस में घुसे एक्सेप्ट करें, तो ये प्रेशर में आके इन्होंने कहा कि ठीक है भाई जो तुम्हें लगता है वो करो, कोई बात नहीं. और साथ में इनके पास ऑल्टरनेटिव भी नहीं था, उससे मास मूवमेंट नहीं हो सकता था, तो क्विट प्रिपरेशन होता कैसे? तो गांधी जी ने छोड़ दिया उसको. ठीक है, हुआ क्या? तो कांग्रेस ने भाई इलेक्शन के लिए पूरा प्रचार किया अपना, प्रोविंशियल असेंबली में हर जगह गए और इलेक्शन हुआ भी 1937 वाला. 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ
अपना इन्होंने प्रचार के दौरान ही इलेक्शन मैनिफेस्टो भी तैयार किया था, जिसमें इन्होंने बोला कि 1935 एक्ट को डेफिनेटली हम लोग रिजेक्ट करेंगे, वो ठीक नहीं है। इट ऑल्सो प्रोमिस द रीस्टोरेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, द रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स एंड अनटचेबिलिटी, द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रेरियन सिस्टम, सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द रेंट एंड रेवेन्यू, स्केलिंग डाउन ऑफ रूरल डेप्ट, प्रोविजन ऑफ चीप क्रेडिट, द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड द राइट टू स्ट्राइक। ये सारा मैनिफेस्टो था, बोला हम चुन के आएंगे तो हम लोग ये काम करेंगे, और इस पर जनता ने इनको सपोर्ट भी किया काफ़ी ज़्यादा। नेहरू उससे पहले पूरा देश में घूमे इलेक्शन के प्रचार में, 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा वो यात्रा की इन्होंने 5 मंथ के अंदर ही, बहुत सारा रैली को एड्रेस किया, लगभग कहा जाता है कि 10 मिलियन लोगों को इन्होंने एड्रेस किया था, एंड उनको बताया था बेसिक पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। गांधी ने एक्चुअली कोई भी मीटिंग नहीं की थी, कोई भी इलेक्शन में एड्रेसिंग नहीं दी थी इन्होंने, गांधी जी अलग थे बिल्कुल भी, लेकिन सब एक्सेप्ट करते थे उस समय भी, आम जनता भी, कि गांधी ही ये सब कुछ करवा रहे हैं। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट बड़ा अच्छा रहा, 716 सीटें जीती कांग्रेस ने 1161 में से, प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुआ उसमें टोटल सीटें कितनी थी 1161, उसमें 716 सीटें जीत गई कांग्रेस। परफॉर्मेंस हर जगह बहुत अच्छा रहा, एक्सेप्ट कुछ बंगाल में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, NWFP है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी थोड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, पंजाब में और सिंध में भी अच्छा नहीं रहा, बट इन जगहों में जैसे बंगाल, आसाम, NWFP, पंजाब में, ठीक है, फर्स्ट थ्री मानो तो बंगाल, आसाम और इस यहाँ पे NWFP में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी कांग्रेस, बाकी जगह और लोग थे मुस्लिम लीग वगैरह। द इलेक्शन टूर एंड इलेक्शन रिजल्ट हार्टेंड नेहरू, ठीक है, नेहरू को बात ये समझ में आई कि गांधी एक्चुअली गलत नहीं थे, और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो स्ट्रगल टू से स्ट्रगल वाली स्ट्रेटेजी है वो गलत, गड़बड़ नहीं है, वो सही है, बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट दिखा इनको, बोला कि ठीक है स्ट्रगल टू से स्ट्रगल को मैं अब मानता हूँ, ठीक है, तो एक चेंज भी आया नेहरू में भी। सो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है, आई होप कि आपको इस स्ट्रेटेजिक डिबेट वाला चैप्टर पसंद में आया होगा, पसंद आया तो यार लाइक किया करो इस वीडियो को, दोस्तों में शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो चैनल को, बिकॉज बहुत एफर्ट लगता है और आप तो ऐसा नहीं करते हो, एक तो पता नहीं क्या पॉलिसी है यूट्यूब की, ये वीडियोज़ पहुँचते भी नहीं है बहुत लोगों तक, पहुँचते भी है तो लोग सीरियस शायद नहीं लेते होंगे, बट मैं सच बता रहा हूँ, ये अगर आप कर लिया आपने एक बार कंप्लीट कोर्स कर लिया तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कहीं नहीं मिलेंगी आपको, इतना एफर्ट डाल के बनाना, एक भी पॉइंट को ना छोड़ना, मेंस को भी पर्सपेक्टिव को साथ में रखना, मैं कोई ऐसे एक पॉइंट लिख के नहीं बता रहा हूँ जिससे आपका प्रीलिम्स तो हो जाए लेकिन मेंस में ना हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मान लो अगर प्रीलिम्स हो भी गया हो जाकर अल्टीमेटली मेंस में फेल हो जाओगे क्या फ़ायदा है। तो यार सपोर्ट 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 योर एजुकेटर, दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज आई वॉन्टेड टू गिव यू, दैट्स ऑल, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।